नाले में अंधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस कर रही जांच। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी के पास नाले में अंधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां मामले की सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जानकारी देते हुए फायसागर चौकी इंचार्ज बलदेव सिंह ने बताया कि नाले में शव मिलने की सूचना पर मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवा कर मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मृतक की शिनाख्त कोटड़ा निवासी प्रभुदयाल के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। जी मैं सब क्या सूचना मिली थी और क्या है मामला? आज सुबह करीब 9:15 बजे के लगभग सूचना मिली कि महावीर कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति पानी में नाले के अंदर गिरा पड़ा है। आधी सूचना पर मैं चौकी इंचार्ज आना सागर में जाप्ते के महावीर कॉलोनी के पीछे नाले पे पहुंचा, जिसको पानी में से निकाला। निकालने के बाद के अंदर देखा तो वो मृत घोषित था। क्या उस, नाम है वो कहाँ का निवासी? उसी दौरान उसकी शिनाख्त के संबंध में हमने प्रयास किए गए, जिसमें शिनाख्त के प्रयास के दौरान उसके एक मोबाइल नंबर मिले जो उसके लड़के संजय के थे। ये मृतक है जो प्रभुदयाल पुत्र श्री रामलाल, जाति बेरवा, बेरवा बस्ती कोटड़ा का रहने वाला है। उम्र 50 साल है। ये शराब पीने का आदि है। कल 3 बजे से घर से बिना बताए निकल गया। ये अक्सर शराब पीता रहता है और घर पे कभी जाता है कभी नहीं जाता है। इसके संबंध में पूर्व पार्षद कमल बेरवा को मौके पे बुलाया, वे उनके और भी बेरवा बस्ती के मौजूद व्यक्तियों को बुलाया। इनके किसी प्रकार की शक शुबा के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई शक शुबा कोई रंजिश होना नहीं बताया गया। मौके पे उन्होंने मर्ग दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है और जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी अभी वर्तमान के अंदर चीरगढ़ जेल ने इसके अंदर रखवा दी गई है। परिजनों के समक्ष उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम बलदेव, सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज आनासागर चौकी थानागंज अजमेर।